नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि लोटस में मैच्योर ब्लूम और इमैच्योर ब्लूम क्या होता है, अर्थात इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि लोटस का परिपक्व फूल क्या होता है या परिपक्व पुष्प क्या होता है और अपरिपक्व पुष्प क्या होता है। दोस्तों ये जो आप लोटस हमारा देख रहे हैं ये लोटस मिराकिल का है, हमने बहुत सारी वैरायटी लगा रखी हैं और समय समय पर हम हर एक वैरायटी की अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं, लेकिन 3 या 4 साल के एक्सपीरियंस में हमारे ये समझ में आया कि लोटस में मैच्योर ब्लूम और इमैच्योर ब्लूम क्या होता है। दोस्तों वास्तव में होता ये है कि लोटस में दोनों प्रकार के फ्लावर खिलते हैं। जब आप ट्यूबर को लगाते हैं और ट्यूबर को लगाने के बाद जो उसमें फ्लावरिंग होती है तो कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो शुरू से ही मैच्योर ब्लूम देती हैं और कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो 1 या 2 साल बाद मैच्योर ब्लूम देती हैं। ये जो मिराकिल है ये दोस्तों हमारे पास लगभग 3 साल से खिल रहा है और 3री साल इसने जो है ये पहला फ्लावर जो आप देख रहे हैं ये मैच्योर ब्लूम का है। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम बताने वाले हैं। दोस्तों देखिए ये बूचा की वैरायटी है, इस पर हमने पहले भी वीडियो बना रखा है, तो डिटेल में अगर आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये मैच्योर ब्लूम है। दोस्तों किसी भी फ्लावर में 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है मेल पोर्शन एक होता है फीमेल पोर्शन। मेल पोर्शन को एंड्रोसियम कहते हैं और फीमेल पोर्शन को गाइनोसियम कहते हैं। लोटस में जो इमैच्योर ब्लूम होता है उसमें गाइनोसियम पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होता है। और ये समझने वाली बात है, हम अभी आपको आगे दिखाएंगे कि इमैच्योर ब्लूम में गाइनोसियम का डेवलपमेंट गाइनोसियम कैसा दिखाई देता है और मैच्योर ब्लूम में गाइनोसियम किस प्रकार से दिखाई देता है। दोस्तों इमैच्योर ब्लूम में कभी भी सीड्स नहीं बनते, सीड पॉट नहीं बनता है। दोस्तों देखिए ये UTP की एक वैरायटी है, 100,000 पेटल की एक वैरायटी है। इसमें आप बीच में देखेंगे जो पेटल्स हैं इसके बीचों बीच में देखिए इसका जो गाइनोसियम है यहाँ पे डिस्क नहीं बनी हुई है। मैच्योर ब्लूम में डिस्क बनती है और इमैच्योर ब्लूम में डिस्क नहीं बनती है, वो तो आप ध्यान से देखिए। बिल्कुल बीचों बीच में जो आप देख पा रहे होंगे ये गाइनोसियम है और गाइनोसियम इसका पेटलॉइड फॉर्म में है, माने पेटल्स के रूप में है और इसमें किसी प्रकार की कोई डिस्क नहीं बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो फीमेल फ्लावर है वो मैच्योर नहीं है। दोस्तों इस प्रकार के जो ब्लूम होते हैं वो इमैच्योर ब्लूम कहलाते हैं। दोस्तों आगे आपको दिखाने वाले हैं एक वैरायटी होती है व्हाइट पियोनी। इस व्हाइट पियोनी में देखिए बीच में जो ग्रीन कलर का आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे कायदे में डिस्क होनी चाहिए, माने नेचुरल कंडीशन में इसमें डिस्क होनी चाहिए और यहाँ पे ओव्यूल होना चाहिए जिससे कि वहाँ पे बीज बने, लेकिन यहाँ पे ओव्यूल नहीं है। इसमें आपको ग्रीन कलर के पेटल्स ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी जो फ्लावर है ये इमैच्योर ब्लूम का है। तो कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो इमैच्योर ब्लूम देती हैं, लेकिन अगर आप उनको लगातार उगाते रहते हैं तो फिर उन्हीं में से मैच्योर ब्लूम का डेवलपमेंट हो जाता है। दोस्तों ये देखिए बीच में आपको येलो कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, माने इस फ्लावर में डिस्क बन गई है। और ये जो वैरायटी है ये बूचा की वैरायटी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मैच्योर ब्लूम है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी कि मैच्योर ब्लूम वो होता है जिसमें कि सीड्स बनते हैं, सीड पॉट बनता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का, माने वही वाली वैरायटी है, मिराकिल वाली वैरायटी है और सेम टब की है, माने उसी प्लांट की का फ्लावर है। और इसमें जो ग्रीन ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है बीचों बीच में ये गाइनोसियम का पोर्शन है, लेकिन ये मैच्योर नहीं हुआ है, अर्थात ये जो फ्लावर है ये मैच्योर ब्लूम का है। दोस्तों इसी प्रकार से ये दिखा रहे हैं, देखिए ये वाला देखिए ये भी मिराकिल का फ्लावर है और बीचों बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी डिस्क नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल जो इसके पेटल्स होते हैं वो थोड़े से दूसरा कलर लिए हुए होते हैं। तो ये जो ब्लूम है ये इमैच्योर ब्लूम है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके उसमें सीड बने, देखिए दोस्तों ये जो वैरायटी है ये अखिला की वैरायटी है और इसको बीचों बीच में देखिए डिस्क बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रही है। तो जो मैच्योर ब्लूम होते हैं इनका आप हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं, माने एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर का क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। एक प्रोसेस होती है बॉटनी में, उसे कहते हैं इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। उसमें होता यह है कि जब भी डिस्क बन जाती है तो फ्लावर खिलने से पहले ही आपको इसका फीमेल पोर्शन जो है हटाना पड़ता है एक का, और दोस्तों दूसरे का मेल पोर्शन रखना पड़ता है। ये भी देखो मिराकिल की वैरायटी है, इसमें भी ये इमैच्योर ब्लूम है।
तो आज हमने आपको ये दिखाया है कि बहुत सारे जितने भी हमारे पास मिराकल के टब खिल रहे थे उनमें लगभग सभी में इमेच्योर ब्लूम था, और आज जो हमारे पास जो फ्लावर नया खिला हुआ है उसमें मैच्योर ब्लूम हमको दिखाई दिया। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लें, और जो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमको फॉलो करते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो समझ लें कि मैच्योर ब्लूम और इमेच्योर ब्लूम होता क्या है और इसका फ़ायदा क्या होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर बीचों बीच में हम आपको हटा के दिखा रहे हैं, और आपको यहाँ पर पूरी डिस्क जो है वो बनी हुई दिखाई दे रही है। ये मिराकल में ही आपको डिस्क दिखाई दे रही है, अर्थात ये फ्लावर जो है ये मैच्योर ब्लूम का हो गया है, और अब इसमें होगा ये कि अब इसमें पॉलिनेशन होगा और इसके आपको सीड भी प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों सीड कैसे बनते हैं, सीड पॉट कैसा होता है, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं वीडियो में। अगर आप हमारे पास आज पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पौधों के संबंध में अगर आपकी कोई दिक्कत है या लोटस के संबंध में दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछें। दोस्तों देखिए सीड पॉट है और ये मैच्योर ब्लूम का सीड पॉट है, और इसमें देखिए कितने बहुत सारे जो है बीज आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये बीज जब पक जाते हैं उसके बाद इसका जो सीड कोट बहुत हार्ड हो जाता है। दोस्तों देखिए अखिला का मैच्योर ब्लूम था जिसमें कि बहुत सारे सीड बने थे, इसमें दो सीड जो थे वो मैच्योर थे। दोस्तों देखिए इसमें तीन तीन छः और दो आठ जो सीड हैं वो मैच्योर हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी, आप समझ गए होंगे मैच्योर ब्लूम और इमैच्योर ब्लूम क्या होता है। अगर दोस्तों आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिराकल के हमारे पास इसमें ट्यूबर भी अवेलेबल हैं, अगर आप ट्यूबर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वहाँ से हमको आप कॉन्टैक्ट कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, आज के लिए।